नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। अब तक विधायक सेगमेंट में आज हम बात करेंगे दरभंगा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुए चुनाव में संजय सारोगी विधायक निर्वाचित हुए, वहीं उनके प्रतिपक्ष उम्मीदवार ओम प्रकाश केशिया थे। संजय सारोगी भाजपा के टिकट से चुनाव जीते थे, उन्होंने इस चुनाव में 77,031 वोट हासिल किए थे। वहीं उनके प्रतिपक्ष उम्मीदवार ओम प्रकाश केशिया राजद के टिकट से 70,316 वोट हासिल किए थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच 7,460 वोटों का अंतर था। अब यदि हम वर्ष 2010 के चुनावी परिणाम को देखें तो इस चुनाव में संजय सारोगी विधायक निर्वाचित हुए थे, वे भाजपा के उम्मीदवार थे। वहीं इस सीट पर राजद ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। राजद के टिकट से सुल्तान अहमद ने संजय सारोगी को कड़ी टक्कर दी थी। वर्ष 2005 के भी चुनाव में संजय सारोगी ने बाजी मारी थी। अब हम चलते हैं वर्ष 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की ओर। इस वर्ष हुए चुनाव में राजद का कब्जा था। राजद के सुल्तान अहमद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिवनाथ वर्मा को हराया था। शिवनाथ वर्मा भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। वर्ष 1995 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस चुनावी वर्ष में भाजपा का वर्चस्व रहा था। भाजपा के शिवनाथ वर्मा ने अब्दुल मजीर अंसारी को हराया था। अब्दुल मजीर अंसारी जेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। वर्ष 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो इस वर्ष कमेश्वर पूर्वे विधायक हुए थे। कमेश्वर पूर्वे जेडी के टिकट से थे, उन्होंने विजयकांत ठाकुर को शिकस्त दी थी। विजयकांत ठाकुर सीपीआई उम्मीदवार थे। दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है लेकिन उतना नहीं जितना की होना चाहिए। विकास तो की गई है लेकिन उस गति से नहीं जिस गति से किया जाना चाहिए। फिर भी बिजली पानी की व्यवस्था की गई है, अतिक्रमण से निजात दिलाने में भी प्रयास किया गया है। चुनावी मुद्दा की बात की जाए तो उद्योग धंधे की कमी है और जनता चाहती है कि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो। युवाओं के लिए अहम मुद्दा बेरोजगारी है, इसके अलावा जमाव की समस्या भी अहम है। हम आशा करते हैं कि अब तक विधायक के सेगमेंट का यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको यह पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।